अतः चलिए कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं। तो ये एक आपका सॉलिड कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी है और कैविटी का सेंटर है सी और सेंटर के बगल में एक चार्ज रखा गया है क्यू और इस कंडक्टर को भी चार्ज दिया गया है टू क्यू, मतलब इस कंडक्टर पे जो एक्सेस चार्ज है वो कितना है टू क्यू। अब देखिए जो ये चार्ज है ये सेंटर पे नहीं है, ये ऑफ सेंटर पे, तो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सरफेस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और कितना आएगा चार्ज माइनस क्यू, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये चार्ज कितना होगा माइनस क्यू और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म। कारण क्या है क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सराउंडिंग कंडीशंस कैसी हैं, चार्ज का लोकेशन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज का लोकेशन है वो सेंटर पे नहीं है, वो कैसा है ऑफ सेंटर, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा नॉन यूनिफॉर्म आएगा। ठीक, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म आने की एक वजह और मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन से मैं प्रूव कर देता हूँ। आप ऐसा करिए दो, एक पॉइंट यहाँ वाला लीजिए और एक पॉइंट यहाँ वाला लीजिए। ठीक, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम आएगा। आप मान लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आप मान लीजिए हम जानते हैं कि इन सभी के कारण ये जो अंदर वाले सभी चार्जेस हैं इनके कारण यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होता है, यहाँ भी नेट फील्ड जीरो होता है। तो मैं पहले यहाँ की बात कर देता हूँ, तो यहाँ पे दो तरह का चार्ज हुआ, एक कौन हुआ पॉइंट चार्ज और एक कौन हुआ ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के कारण यहाँ नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड बहुत ज्यादा है तो इस माइनस के कारण भी यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। इसकी बात करें पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड थोड़ा कम है तो इस माइनस चार्ज के कारण भी यहाँ पे फील्ड थोड़ा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो आप सोचो कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसके कारण तो यहाँ पर जो फील्ड आता वो सेम आता, तो फिर पॉइंट चार्ज का फील्ड मिलके यहाँ पर और यहाँ पर नेट जीरो नहीं हो पाता। इसका मतलब मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ कर दिया कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म हुआ तो यहाँ पर नेट फील्ड जीरो हो गया तो यहाँ नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा और यहाँ नेट फील्ड जीरो हो गया तो यहाँ नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो माइनस चार्ज है इसके कारण तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा यूनिफॉर्म वाले केस में, लेकिन पॉइंट क्यू के कारण दोनों जगह बराबर नहीं है ना। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। और बाहर वाले पे कितना होगा, तो देखिए सराउंडिंग सरफेस कैसी है, एकदम सिमेट्रिक सरफेस है, सराउंडिंग कंडीशन भी कैसी है, एकदम सिमेट्रिक, कोई बाहर चार्जेज नहीं है। तो इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा, इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका एक आर्गुमेंट मैं आपको देके बता सकता हूं, तो आप ऐसे सोचिए कि इस वाले पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ भी नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ भी नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, तो इन लोगों के कारण तो यहाँ कोई फील्ड होता नहीं है तो इनके कारण भी यहाँ फील्ड जीरो होना चाहिए। अब सोचिए अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसके कारण हर पॉइंट पर फील्ड क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा आपका यूनिफॉर्म। अगला कॉन्फिगरेशन देखते हैं, तो अगले कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, इसको चार्ज दिया गया है टू क्यू और बाहर एक पॉइंट चार्ज भी रखा है क्यू। तो देखिए इस वाले केस में क्या होगा, हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मतलब ये सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी और स्फेरिकल कंडक्टर है। हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है इसके इधर वाले चार्जेस के कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं चार्जेस पे डिसाइड करेगा और इस सरफेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस सरफेस पे और सरफेस के बाहर वाले चार्जेस पे डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन को ये वाला चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा और यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन को ये वाला चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा। तो बात करते हैं पहले अंदर की, तो देखिए कहाँ है सेंटर पे, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस क्यू और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा आएगा यूनिफॉर्म। अब देखिए आउटर कंडीशन, अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता तो आउटर देखिए सरफेस भी सिमेट्रिक थी और सराउंडिंग कंडीशन में भी चारों तरफ कोई नहीं था तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी तरह कैसा आ जाता यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज है इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। तो आप जानते हैं कुछ तो यहाँ माइनस चार्ज आया होगा माइनस क्यू, फिर इस पर नेट एक्सेस चार्ज कितना होना चाहिए टू क्यू, तो देखिए माइनस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है तो इस पर जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, इस पर जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा वो होगा थ्री क्यू प्लस क्यू। ठीक, और यहाँ की फील्ड लाइन कुछ ऐसे टर्मिनेट कर रही होंगी,
ये कुछ ऐसे फील्ड लाइन होंगी, ठीक है ना, और इस प्लस चार्ज से ऐसे फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ठीक है, और अंदर वाला चार्ज अपने फील्ड लाइन ऐसे रही होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा कैसे पता करेंगे, ठीक। अब ये वाला केस सुन लीजिए, मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q है और ये कैविटी है, स्फेरिकल नहीं है, और आउटर से स्फेरिकल है, उसको कैपिटल Q चार्ज दिया गया है। मुझे ये बताना है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहां कैसा होगा। तो देखिए यहां पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस Q, और ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि जो शेप है वो शेप एकदम सिमेट्रिक है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो इस पर नेट एक्सेस चार्ज क्या होना चाहिए, कैपिटल Q, तो इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा, इसकी आउटर सरफेस पे जो ये चार्ज होगा, ये चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q, क्योंकि इस पर नेट एक्सेस चार्ज क्यों होना चाहिए ना, क्योंकि हम इसको Q चार्ज दिए थे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कारण क्या है, क्योंकि सराउंडिंग कंडीशन एक जैसी है और सरफेस भी कैसी है इसका, सिमेट्रिक। इस वाले केस में बात करूं तो चार्ज सेंटर में रखा है, तो यहां वाला जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस क्यू चार्ज, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। इस पे नेट एक्सेस चार्ज क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया था, क्यू। ये कौन है, ये सॉलिड कंडक्टर के अंदर कैविटी, ये भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर कैविटी, तो इसको जब मैंने क्यू चार्ज दिया, नेट एक्सेस चार्ज क्यों होना चाहिए, तो इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस टू क्यू, आउटर सरफेस का चार्ज प्लस टू क्यू, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आउटर, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सरफेस कैसी है, एकदम सिमेट्रिक सरफेस नहीं है, ठीक है।